अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है शेज़वान सॉस। इसके लिए मैंने 8 से 10 मिर्चें रात को भिगो दी थी पानी में और सुबह उठ के अब मैं इनको बॉईल करने लगी हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें बॉयल करूँगी। उसके बाद कवर करके इनको 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद जो है ना पकाऊँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं और ग्राइंड करने में आसानी हो। उसके बाद मिक्सर में इन्हें डाल के ग्राइंड कर लूँगी। जिस पानी में हमने चिलीज़ को बॉईल किया है वो पानी हम इसमें डाल के इनको ग्राइंड करेंगे, एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। उस पानी में जो चिलीज़ का टेस्ट है या अरोमा है वो बरकरार रहेगा और वो हमारी सॉस में भी आएगा। अब मैं मिक्सर चलाने लगी हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है सॉस का, फ्रेश रेड कलर। ग्राइंड करने के बाद इस पेस्ट को हम एक साइड पे कर लेंगे और एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, 1/4 कप ऑयल। जब ये थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसमें हम 3 से 4 जबे चॉप हुआ हुआ लहसुन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक शामिल करेंगे। अदरक शामिल करने के बाद इन दोनों को इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम ग्राइंड की हुई चिलीज़ ऐड करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। चिलीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। इसके कलर से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही स्पाइसी सॉस होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी सॉस है। आप इसको पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ खा सकते हैं। लो से मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। उसके बाद इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच से सात मिनट के बाद इसमें हम 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद केचप ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच। और सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। विनेगर इसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। पकाने के बाद हमने इसे डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।